नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आगे भी इस प्रकार की न्यूज़ लेकर आता रहूँगा। आज की न्यूज़ संस्कृत विभाग की प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति और रीट सेकेंड लेवल की विज्ञप्ति को जारी करने के संबंध में है। और बेरोजगार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष ने इस संबंध में क्या कहा है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भाइयों और बहनों, आज सुबह संस्कृत विभाग की प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति और रीट सेकंड लेवल की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर और रीट प्रथम लेवल की विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी जी को दिया ज्ञापन और मंत्री के OSD का बेरोजगारों ने किया घेराव। मंत्री किरण महेश्वरी जी ने RPS के अधिकारियों को रिमाइंडर भेजकर जल्दी से जल्दी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा और रीट सेकेंड लेवल की विज्ञप्ति को भी जल्द ही जारी करने के लिए कहा। नोट, कुछ दिनों से रीट प्रथम लेवल की विज्ञप्ति की विसंगतियों को लेकर मेरे पास बहुत सारे भाई बहनों के कॉल और मैसेज आ रहे थे और वह लोग संस्कृत विभाग की रीट प्रथम लेवल की परीक्षा की मांग कर रहे थे। और आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए और रीट सेकेंड लेवल की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर मंत्री किरण महेश्वरी जी से समय लिया हुआ था। और हमने आज हमारी वार्ता के साथ इन अभ्यर्थियों की भी वार्ता किरण महेश्वरी जी से करवाई और उनकी मांग मंत्री के सामने रखी। संस्कृत विभाग से हाल ही में रीट प्रथम लेवल के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई उसकी विसंगतियों को लेकर आज अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मंत्री किरण महेश्वरी जी को ज्ञापन दिया और रीट प्रथम लेवल की परीक्षा आयोजित करने की मांग रखी थी। और भाइयों और बहनों, इस न्यूज़ में रीट सेकंड लेवल की विज्ञप्ति को जारी करने के लिए भी कहा गया है। और आगे देखते हैं तो उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी जी ने कहा कि इस भर्ती की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब परीक्षा नहीं हो सकती और उसके बाद दूसरी एक और भर्ती विभाग निकालेगा, उस समय परीक्षा का आयोजन करवाकर नई अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ये सारी बात राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव जी ने कही है। और ये न्यूज़ आप ETV राजस्थान पर भी देख सकते हैं, जी राजस्थान पर भी देख सकते हैं। और भाइयों बहनों, इस न्यूज़ को सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी मैं इस प्रकार की न्यूज़ सबसे पहले लाता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।